इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्टन इफेक्ट। कॉम्प्टन इफेक्ट में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्प्टन इफेक्ट को हम पहले इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं k इक्वल्स टू होता है 1/2 mv स्क्वायर, इक्वल्स टू होता है h nu माइनस k h nu गैस। ये कह रही है काइनेटिक एनर्जी जहां पर h nu होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड h nu गैस होता है वर्क फंक्शन जहां पर nu गैस होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल्स टू h nu कॉमन ले लेंगे यहां से तो ये हो जाएगा 1 माइनस के न्यू डैश अपॉन न्यू। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं किया यहां से h nu कॉमन ले लिया यहां पर हो रहा है और यहां पर न्यू आ गया इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर। अब हम जानते हैं 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल्स टू होता है h अपॉन m mod c स्क्वायर 1 माइनस cos phi जहां पर h होता है प्रांक कांस्टेंट c होती है स्पीड ऑफ लाइट एंड m नॉट होता है रेस्ट मास एंड phi होता है स्कैटरिंग एंगल। हमें इस इक्वेशन से निकालनी है न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर अगर आपको ये इक्वेशन सीखनी है कि ये इक्वेशन कैसे आई है तब आप कॉम्प्टन इफेक्ट का डेरिवेशन देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम लिखेंगे यहां से हम कॉमन ले रहे हैं न्यू या जाएगा न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस 1 यहां से न्यू कॉमन लिया और इसको तो ले लिया जाएगा h न्यू अपॉन m mod c स्क्वायर 1 माइनस cos phi। यहां पर मान सकते हैं l phi इक्वल्स टू h न्यू अपॉन m mod c स्क्वायर ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करते हैं और ये सुमन को इधर लेके जा रहे हैं सभी आ जाएगा ये न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस cos phi। देखिए इसको बोल दिया अल्फा और ये आ जाएगा प्लस 1। हमको चाहिए न्यू डैश अपॉन न्यू की यहां पर है न्यू बटे न्यू डैश इसको उल्टा करने पर ये आ जाएगा न्यू डैश अपॉन न्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos phi। कुछ नहीं किया है इस मान को पहले दिया अब देखिए यहां पर ये वैल्यू आ गई इस पुट की इसको मान सकते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू इस सिचुएशन में ये आ जाएगा k इक्वल्स टू h न्यू यहां पर ये ब्रैकेट है 1 माइनस दिस वैल्यू पुटिंग हियर ये वाली वैल्यू ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos phi ब्रैकेट बंद यहां पर आंसर ले लेंगे ये आ जाएगा h nu h लेंगे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos phi माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos phi। देखेंगे इस माइनस से ये प्लस किया कुछ नहीं किया इसकी मल्टीप्लाई जैसे कि और एलसीएम ले लिया तो यहां पर ये बच जाएगा h nu अल्फा 1 माइनस cos phi अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos phi। इसी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हम एक बात कर सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी होती है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की और ये होती है इंसिडेंट एनर्जी फोटोन की। तो यहां पर हम इंसिडेंट एनर्जी और रिकॉइल एनर्जी का रेशियो लिख सकते हैं ये आ जाएगा k अपॉन h nu इज इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस cos phi अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos phi। ये क्या कहलाता है इंसिडेंट एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का रेशियो क्योंकि h nu होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको लिख सकते हैं e इक्वल्स टू h nu दिस इज नोन एज फोटोन एनर्जी या इंसिडेंट फोटोन एनर्जी और ये क्या होती है
रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया रेशियो। अब हमको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इजीली। हमको पता है जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता है, जैसे ही स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होगा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड k इज मैक्सिमम, तो यहां पर हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 180 और ये k हो जाएगा मैक्सिमम। तो हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस cos 180 डिग्री अपॉन हो जाएगा ये 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है माइनस 1, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस के आ जाएगा ऊपर अपॉन h न्यू दिस, तो यहां पर ही आ जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा k मैक्सिमम। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं जब स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होता है k हो जाता है मैक्सिमम। यहां पर रखेंगे और ये h न्यू चला जाएगा, ये आ गया h न्यू, इस पर चले चले गए। इसको बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, हम अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू भी एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू हियर ये आ जाएगा के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखेंगे ये एच न्यू स्क्वायर, यहाँ से टू कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एच न्यू इंटू एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे वन प्लस, जैसे टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा ये एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर प्लस आ जाएगा ये वन बाई टू, क्योंकि यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा वन बाई फोर, इस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले रहे हैं एम नोट सी स्क्वायर, तब ये बन जाएगा, देखेंगे ये वाला ऊपर जाएगा ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा इनटू अल्फा, तो यहाँ पर देखने वाले हैं ये वाला अल्फा यहाँ पर पुट कर दिया, ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा एच न्यू प्लस वन बाई टू एम नोट सी स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देख सकते हैं ये अल्फा की फॉर्म में है और यहाँ पर है एच न्यू फ्रीक्वेंसी और मास की फॉर्म में, तो इसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की कॉम्प्टन इफेक्ट के थ्रू काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।